खरगोन शहर के तिलकपत से ज्योति नगर तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को छात्र संगठन NSUI ने आंदोलन की राह इख्तियार की है। छात्रों ने अंजुमन नगर में इकट्ठा होकर खस्ता हाल हो चुके इस मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली। इस दौरान छात्र सड़क पर जमा हुए, बारिश के पानी में बैठकर नारेबाजी करते रहे, समस्या पर प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया। रैली के दौरान नारेबाजी करते हुए छात्र नगरपालिका कार्यालय पहुंचे, जहां नगरपालिका अधिकारी को उक्त सड़क निर्माण की मांग का आवेदन सौंपा। NSUI जिला अध्यक्ष रजत शर्मा, अक्षय रघुवंशी, नीलेश सागोरे ने बताया कि सूरज मामा अमेरिका से अच्छी सड़कों की बात करते हैं और मुख्यालय पर भंजे खस्ता हाल सड़क से होकर स्कूल पहुंच रहे हैं। बार बार नगरपालिका से मांग करने पर बारिश के दिनों में सिलकोट चूरी डाल दी जाती है, जो नाकाफी होती है। इस मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं जिसमें पानी जमा है। इस गड्ढे का पानी वाहनों की आवाजाही के दौरान आसपास के दुकानदारों और राहगीरों पर उछलता है। इससे स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। नगर पालिका में भी मैंने आवेदन लगाया है और जन सुनवाई में भी मैंने इसके आवेदन लगाए हैं। 6 से 7 बार मैंने आवेदन लगाया है। परिषद की बैठक में मैंने अपना अंजुमन रोड का ये रखा था, लेकिन उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। होने के नाते जनता की आपसे काफी संभावनाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि जनता से हमारे काम होता रहेगा, कहीं ना कहीं उनमें आपको धरती पे आंखों से देखने का मिलेगा अगर काम नहीं होता है तो। नहीं बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जब मुझे वोट दिया तो मुझे एक उम्मीद रखी थी हमारा अंजुमन का रोड बनेगा, लेकिन अंजुमन का रोड बन नहीं पा रहा है, इसीलिए उनके मन में मेरे से आक्रोश रहेगा। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं कांग्रेस की हूँ, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। बाकी जी अंजुमन का रोड नहीं बना है, बाकी जो जयपुर वार्ड है वहाँ पे सीसी रोड और व्यवस्थित चल रही है। आपके वार्ड में कई सड़कें बन गई तो मेरे वार्ड में तो बन गई है कुछ जगह पर, बाकी पूरी तरह से काम नहीं होता जी। बिल्कुल यही कारण है कि ये अंजुमन ईरानी करीमनगर ये मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। हमारे द्वारा, हमारे छात्र संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से नगर पालिका को अवगत कराया जा रहा है कि ये अंजुमन रोड जो सड़क है यह कई सालों से मतलब आज तक बनी नहीं है। इसमें जब भी हम मांग करते हैं वो चूड़ी उड़ी डाल देते हैं, 2-3 दिन रोड अच्छा रहता है वापस खराब हो जाता है। इधर कम से कम 15 स्कूलें संचालित है जिसमें शासकीय अर्ध शासकीय सारी स्कूलें हैं, कॉलेज के बच्चे इधर से निकलते हैं, घर से बच्चे तैयार होकर आते हैं, बाकी रास्ते में उनके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, उनकी ड्रेसों का कोई हाल नहीं रहता है। इसके पहले भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष मैडम को अवगत करा चुका हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष मैडम ने मुझे आश्वस्त किया था कि कुछ दिनों में सड़क बन जाएगी, बाकी उसके बावजूद आज तक सड़क नहीं बनी है। हमारे लाडले प्यारे शिवराज मामा खरगोन आते हैं, अमेरिका जैसी सड़कों की बात करते हैं। मैं शिवराज मामा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जमीन स्तर पे आए और यहां के रोड देखे, यहां के सड़कें देखे। मामा जी तीर चलाने से काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया, नगर पालिका का भी बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। ये सड़कें रोड पे बन जाती है, इसका पिछले साल में 47,60,000 का टेंडर पास हुआ है, क्या पता वो टेंडर कहाँ गया, अभी तक सड़कें बनी नहीं है। कन्या साला से लेकर पीजी कॉलेज तक का जोड़ने वाला मार्ग, इस मार्ग से जो पार्षद है वो कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने की वजह से कई नगर पालिका भेदभाव तो नहीं कर रही है। हमें वही लगता है कि कांग्रेस का यहाँ पे पार्षद है इसलिए भेदभाव होता है, कई कांग्रेस पार्षद अच्छा काम ना कर दे, हमारे कांग्रेस के पार्षद भी हमारे साथ आए दिन जब भी हम धरना आंदोलन करते हो हमारे साथ खड़े रहते, उन्होंने भी नगर पालिका को उनके स्तर से अवगत कराए, बाकी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि यह रोड नहीं बनती है तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, नगर पालिका घेराव करेंगे, यदि विधानसभा घेराव करना है तो विधानसभा घेराव भी करेंगे। नीलेश सागोरे, NSUI कार्यकर्ता, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।